हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम क्या हो चुका है? 3:49 हो चुकी है और मैं आज लगा रही थोड़ी सी मेहंदी। तो बस मैंने यहाँ पे इतनी स्टार्ट की थी, फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं मेहंदी क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे ही लगा रही हूँ, कोई ऐसी ना तो कोई फेस्टिवल है ना कोई फंक्शन है, ऐसे ही इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, सासू माँ ने भेजी हुई थी, तो उस टाइम की पड़ी हुई है। आई थिंक इसको हो गए 2 से 3 महीने। तो मैंने सोचा चलिए मैं लगा लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि ये पड़ी पड़ी ऐसे ही ख़राब हो जाएगी क्लिप। और आज मुझे थोड़ी नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आज लंच में ना थोड़ा सा मैंने बना लिया दाल चावल, तो बहुत ज़्यादा आराम से मतलब बन गया, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और थकान भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलिए लगाती हूँ मेहंदी, काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा मन कर रहा था कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं अलग सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर अच्छा बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, ऐसे है नहीं कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो जैसी भी लगेगी ऐसे ठीक है। और अभी ध्रुव अपने चाचा के साथ बाहर, बड़ी जिद करके रो के बाहर गया, नहीं तो मैं उसको सुलाने वाली थी। सुलाने के बाद फिर मेहंदी लगाने लगी थी। और अभी अपनी शिफ्ट चल रही है, इनकी शिफ्ट चल रही है, तो चलिए मैं फटाफट से लगा लेती हूँ मेहंदी। और जैसी भी लगती है तो उतार देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई है, ये देखिए सूखी की है। अभी इसको अच्छे से रिमूव करते हैं। और आज ये मैंने ब्लैक कलर की जो टी शर्ट है ये वियर की है इस हद से। और अभी मैं ना कमीज भी पहन लेती हूँ, तो वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगते हैं इस तरह से कम्फर्टेबल कपड़े। और मौसम अच्छा हो चुका है, बारिश हल्की बारिश हुई थी आज सुबह सुबह हल्की हल्की, और धूप हो रही है थोड़ी थोड़ी, मौसम अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो चलिए चलते हैं रूम में। और पहले बाहर की लाइट ऑफ, और ध्रुव तो सो गया था टाइम से ही, क्योंकि उसको मैंने मेहंदी लगाते लगाते ऐसे सुला दिया। तो उनका इस मेहंदी में अभी उतारूँ, गुड इवनिंग। और अभी जस्ट मैंने चाय पी है, चाय वगैरह पी के फ्री हुई हैं। और आप लोगों को मैंने दिखा देती हूँ मेहंदी, मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से कलर लेके आई है अभी। और मैंने मेहंदी लगाई थी 3:30 या 4 बजे के आसपास लगाई थी, और लगा मैंने 6 बजे इसको साफ भी कर लिया। नीचे इस साइड वाली मेहंदी मत देखो, ये तो ना मेरा यहाँ आके दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि ध्रुव बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग गया। और ये मैंने को ना जब ध्रुव सो गया था उसके बाद लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब कभी कभार इस तरह से खुद से मेहंदी लगाते हैं। और बेडशीट पे मेहंदी वगैरह गिर गई थी, तो इसको ठीक कर लेती हूँ। और अभी इवनिंग टाइम है, तो थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह का ये वाला काम। हाँ जी, तो गुड इवनिंग। और अभी टाइम हो चुका है 7:53, और अभी मुझे लंच में बनाना है, सॉरी लंच फिर से बोल दियो, डिनर में मुझे आज बनाने हैं ब्लैक चने। और ब्लैक चने मैं आज फिर से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ना थोड़े से ज़्यादा ही ले लिए और वो थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए पहले इन्हीं को ख़त्म करती हूँ और सब्जी का फिर बाद में नंबर लगाते हैं। क्योंकि इसके अंदर ना जो छोटे 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 जो मतलब घुन बोलते हैं या फिर कुछ और चीज़ बोलते हैं इनके अंदर, वो गिर गए। फिर ये मैंने ना कल रात को ही भिगो दिए और अभी बनाऊंगी। मेरा पहले मन था कि मैं बिल्कुल सूखे सूखे बनाऊं, और सूखे बनाते हैं ना तो वो ना जैसे हलवा बनाऊं, मुझे हलवे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ब्लैक चने, तो देखती हूँ थोड़ा सा हलवा भी बनाऊं, अगर अच्छा लगेगा तो इन लोगों से पूछूंगी, हबी से और देवर से, बाकी दूर तो खा ही लेता है, थोड़े से बना लेती हूँ। और ये देखिए ब्लैक चने इतने भिगो के रखे हैं, और ये ना इनका छोटा सा मैं चाट भी बना लूँगी टमाटर प्याज डाल के, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ये लगाया था आज आईलाइनर,
आज मैंने थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला, क्योंकि आज मेरे को दोपहर को नींद नहीं आई थी, तो मैंने ये दोपहर को ही लगाया था। अभी हल्का हल्का सा थोड़ा सा हो रखा है ख़राब, लेकिन पड़ा है, चलो कोई बात नहीं। और मेहंदी भी इस तरह से कलर लेके आ गई अभी तक, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं सब्जी। बाहर सब्जी वाला आया हुआ है, तो देखते हैं सब्जी तो अभी तो कुछ भी नहीं। आज मैं ये लेके आई थी थोड़े से, क्या बोलते हैं इसको, जामुन। तो ये वाले जामुन पता है मैं क्यों लेके आई थी? ये वाले जामुन इसलिए लेके आई थी, मेरे को ना मन कर गया था पहले एक दिन आंटी के, मैंने मतलब आंटी के घर पे देखे थे, आंटी के घर मैंने खाए दो चार पीस, बहुत टेस्टी थे। लेकिन ये वाले मैं लेके आई ना, ये पता नहीं गला पकड़ रही, गला ऐसे होता है ना, तो उस टाइम मेरे को ऐसे लगा कि मैं गलत ले आई, क्योंकि सेम वैसे ही था। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से चावल और ये लिए हैं, चपाती है साथ में, और ये ध्रुव के लिए चपाती के साथ में लगाने के लिए लाई हूँ छोले वहाँ, और ये है दूध ठंडा ठंडा। ध्रुव सबको हाय बोल दो। हाय। कैसे हो? कैसे हो आप? कैसे हो बाबू? बिंदास। बिंदास खाना खाए? हाँ। चलो खाओ। हे गाइस, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, आप लोगों को पता है। अभी अभी मैं जैसे ग्रोसरी लेके आए थे तो ऐसे ही रख दी ध्रुव ने, पता है सारी जो ये डीओ के लिए वो और ये सामान छोटा मोटा, तो ये सभी ऐसे ही मतलब वेस्ट यूज कर रहा था, ऐसे ही मतलब डाल रहा था, इसको पता है मम्मी पापा यूज करते तो ऐसे 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 लगा हुआ था। और ऊपर से देखिए ये साबुन, सब बाहर निकाले हुए हैं साबुन जितने भी थे पैकेट्स वाले, ये देखिए तीन साबुन थे तीनों के तीनों। तो चलिए इनको छोड़ के मैं और आपसे बात करती हूँ आज। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आज मैंने ये प्रोडक्ट कहाँ से लिए और कैसे लिए आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने ये मतलब आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले ही शेयर करने वाली थी, लेकिन उस टाइम शेयर करने नहीं पाई। ये ग्रोसरी लेके आई हुई हमें कम से कम 4 से 5 दिन हो गए, तो मैंने सोचा आराम से और फुर्सत से आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये वाले जो प्रोडक्ट लेके आई है, तो हबी ने अभी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, और उसमें से जैसे कि बिजनेस में क्या होता है कि उसमें सबसे पहले हमें ना एक ग्रोसरी की शॉपिंग ही करनी होती है, और बस यही काम होता है मेन। और ये बिजनेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो या मतलब करना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पर अपना मतलब हबी का नंबर है वो प्रोवाइड कर दूँगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये सब सामान आप लोगों को बता दें, कुछ सामान है जो मैंने यूज किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो चलिए मैं बताती हूँ सबसे पहले। तो ये है हैंड वॉश, तो ये वाला हैंड वॉश है, जैसे भी हम 2000-3000 की शॉपिंग करते हैं, 3000 मैक्सिमम शॉपिंग करनी होती है, और उसमें क्या होता है ग्रोसरी का सामान ही होता है हमें खरीदना। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि हमें कुछ ना कुछ 3000 या फिर 4000 की शॉपिंग करते कुछ ना कुछ फ्री मिलता है। तो अभी चले हमें ज़्यादा बात ना करते, तो ये दो डीओ लिए हैं अभी ने। सारा जो ग्रोसरी का होता है या अपने जो चीज़ें आइटम होते हैं घर में यूज करने वाली वही चीज़ें,
तो ये दो डीओ लिए और एक हबीक ने लिया अपने लिए और प्रीमियम प्योर होम। तो ये वाला वो इसकी फ्रेगरेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये वाला थोड़ा सा लाइट है मतलब ठीक ठाक है ये वाला, तो ये वाला सबसे मतलब अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद करते हैं बात, ये है मेरे लिए मतलब मैं नहीं गई थी, हबीब खुद ही शॉपिंग करके आए थे ग्रोसरी की। तो ये है फेस मास्क, जैसे चार ध्रुव आप ऐसे मत करो। तो ये वाला आइटम है मैं मतलब फ्री मिला हैंड वॉश, जैसे 4000 की इन्होंने शॉपिंग की तो एक पे एक फ्री मिला ये वाला। और जो भी कोई इस बिजनेस से इंटरेस्ट रखता है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करें, यहाँ पर मैं अपने हबीब का नंबर प्रोवाइड करूँगी। और ये देखिए ये है हार्पिक की तरह ही है, ये थोड़ा सा दूसरी मतलब और लेकिन इनके प्रोडक्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने दो चीज़ यूज की है, एक तो ये जो लिक्विड वाला है सिर्फ ये वाला, इसको डिजाइन बोलते हैं ये वाला लिक्विड वाला, ये यूज किया है, ये सच में बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी ये बात है कि हम जैसे ये वाला जो पैकेट वाला ये भी लेके आए थे, ये वाला मैंने यूज नहीं किया, इसमें थोड़ी सी मतलब जैसे गांठें वगैरह होती है इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये तुरंत काम करता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मैंने निकाल लिया है, एक ये भी रहता है और एक ये वाला है डिटर्जेंट पाउडर, ये भी देखती हूँ जैसे भी यूज करूँगी सारा सामान आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसा होगा वैसा ही आप लोगों के साथ रिव्यू करूँगी। और एक ये मेरे लिए लेके आए थे बीबी क्रीम, ध्रुव देखो स्टैंड हिलर है उधर जाओ आप, एक ये बीबी क्रीम लेके आए, ये भी बिल्कुल मतलब अच्छी है, लाइट वेट है। ध्रुव इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। और एक ये लेके आए थे पाउडर, और ये भी आज मैं बाहर निकालूंगी, यूज नहीं किया, तो ये जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये भी। और एक ये ले गए हैं टूथपेस्ट, और ये वाला भी मैंने यूज नहीं किया, जैसा भी निकलेगा मैं यूज करूँ। दो लेके आए हो आप, ये क्या है अलग अलग। एक ये लेके आए हैं चाय पत्ती का पैकेट, कॉफी का लेके आए थे, कॉफी भी सबसे मतलब हटके टेस्ट आया है, जितने भी मैंने यूज किए ना सेम मतलब टेस्ट नहीं था, अलग हटके टेस्ट है। और एक ये चाय पत्ती का पैकेट, ये भी मैंने यूज नहीं किया, जैसे भी यूज करते हो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए साबुन के पैकेट ध्रुव का क्या कर रहा है, ये देखिए सारे के सारे निकाल दिए मिलते हैं तो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक साबुन भी निकाला मैंने, यूनिक है सभी आइटम में से। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले बिल्कुल भी, और फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, आज का ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड बाय।